स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पहला है बहुत अच्छी तरीके का बॉल है, लेदर बॉल, फिर टेनिस बॉल है और सिंथेटिक बॉल है। इसमें सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस से थ्रो करेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड आउटसाइड द लेग स्टंप। इन दोनों केस में आपको मूव करना विद द बॉल, ठीक है। अपने प्रॉपर स्टांस में आएंगे और यदि लेग स्टंप पे बॉल है तो लेग स्टंप की तरफ मूव करके गैदर करेंगे और विकेट को हिट करने का ट्राई करेंगे। ऑफ स्टंप पे ऑफ स्टंप की तरफ मूव करेंगे। ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्ट करेंगे वो बॉल फेंकने के बाद रिएक्ट करेंगे, पहला चीज। दूसरा है बॉल मूव, बॉल को गैदर करने के लिए यदि मूव करेंगे राइट या लेफ्ट, उसमें एक प्लेन में एक सीधे लाइन मूव करना है। ये नहीं कि लेग स्टंप पे है तो हम ऐसे जाए, पीछे नहीं जाना, ठीक है। ऑफ स्टंप है तो पीछे नहीं जाना, एक प्लेन में मूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे है बाहर गैदर कर रहे हैं तो हमारा ये पैर ऑलमोस्ट नियर टू ऑफ स्टंप होना चाहिए, सो दैट कि बॉल के बाद उसको गैदर किया जाए, बिकॉज ये यदि दूर आया तो फिर हिट करने के लिए दिक्कत होगा। इन द सेम वे लेग स्टंप यदि ये पैर इधर दूर आया तो हिटिंग में स्टंपिंग में दिक्कत होगा, ठीक है। तीसरा मेजर पॉइंट है कि बॉल गैदर करते समय हैंड को थोड़ा एक्सटेंड करना है, बॉल को एब्जॉर्ब करना है, गैदर करना है, ठीक है। और हाथ का झटका नहीं लगना चाहिए उसको, बॉल उधर से फोर्स से आ रहा है, आपका भी फोर्स लगेगा तो बॉल हाथ से फंबल होगा, डिफेंस बॉलर है तो इंजरी चोट के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसको ऑब्जर्व करना और लास्ट तक देखना, ठीक है, समझिए, कोई कंफ्यूजन। चलिए हम उसका ड्रिल स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्ट करेंगे। Thank you.
उस बॉल में गैदरिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि तो बहुत सारे बॉल को बहुत अच्छा पकड़ रहे हो, पर कुछ बॉल्स में गैदरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पहले ही खड़े हो जा रहे हो। हम यहाँ खड़े हैं, अभी लेफ्टम की तरफ बॉल मूव किया नहीं कि तुम यहाँ खड़े हो, और बॉल का हाइट लो है तो फिर ऊपर से नीचे जा पाना पॉसिबल नहीं, ऑब्वियसली फंबल होगा, यहाँ से निकलेगा वो, छूटेगा, गलत तरीके से पकड़ोगे, ठीक है। बॉल एक बार छूट जाए या बॉलर का, वहाँ से बॉलर बॉल डिलीवर कर दिया और टप्पा खाया बॉल, और बॉल जब टप्पा खा के यानी पिचिंग के बाद वो उठता है, उसके साथ उठना होता है। उसी तरीके से हाथ से जब बॉल रिलीज हो यहाँ से, क्योंकि हम वहीं से बॉल फेंक रहे हैं जहाँ से बॉल पिच करके फिर बाउंस लेना स्टार्ट करता है, वहाँ से बॉल को ऐसे ही जजमेंट के साथ उठना है, जैसे 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 बॉल आए उसके हिसाब से ग्रेजुअली उठना है, पहले ही नहीं खड़े हो जाना, ठीक है। पहले खड़े हो गए तो फंबल हो, ठीक है ना, इस चीज़ को फोकस में रखना है। और एक क्या गलती हो रहा है बताओ तुम्हारा, यहाँ पे स्टांस लेके खड़े हो और एक्सम का बॉल है, गैदर करने के लिए उतारो, ये पैर यहीं पे स्टैटिक रह रहा है, इसको मूव करना होगा, क्योंकि तो कितना लंबा स्ट्राइड रहो, एक समय के बाद तुम्हारा रीच खत्म हो जाएगा, उसे रीच ऊपर आना है तो यहाँ से मूव करना होगा इसको, इसको एक्सम की लाइन में लाना होगा, सो दैट कि तुम्हारा रीच मैक्सिमम हो सके, फिर गैदर करके स्टम्पिंग के लिए आना।